हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस वर्कशॉप। माय टुडेज टॉपिक इज कि हम लोग पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, क्या लगता है आपको? हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नेगेटिव सोचना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, यस ओके, इवन आई एग्री विद दैट। बट यार प्रॉब्लम ये है पॉजिटिव सोचने के साथ कि आप नेगेटिव को काफ़ी इग्नोर कर देते हो। जैसे आपकी सिचुएशन, अगर लाइफ का सिचुएशन टफ है तो वो है ना, उसके पॉजिटिव सोचने से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड पॉजिटिव सोचने से आपका इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें आप एक्शंस ले पाओगे, बट एक्चुअली अगर उसको हम फेस करना चाहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, बार बार नहीं आएगा। समझो कि मेरे पास पैसे का डेप्थ है और मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि मैं इसको कर लूँगा, दैट्स ओके। पॉजिटिव मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरे पास डेप्थ है और मैं सिर्फ पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लूँगा। बट अगर मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ कि मेरा नेगेटिव सिचुएशन है और मैं इसको फेस करना चाहता हूँ, तो मैं शायद उसको ज़्यादा एनालाइज कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। ये डेप्थ हुआ क्यों? मेरे पॉजिटिव सोचने से तो ये डेप्थ हुआ नहीं, ना तो मेरे नेगेटिव सोचने से हुआ। दैट मीन्स ये सिचुएशन है जो मुझे हैंडल करना चाहिए। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर है या उसको फेस करना या उसको इग्नोर करना ज़्यादा है बेटर? मेरे ख्याल से तो उसको फेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिचुएशन फेस करते हो तो आप एक कैपेबल पर्सन बनते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि आप तैयार हो जाते हो, यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग विच कम्स टू यू। सो मेरे ख्याल से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट नेगेटिव से भी हमें पॉजिटिव निकालने आना चाहिए सिचुएशन इग्नोर करने की जगह। क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव थिंकर्स जो है वो ये सोचते हैं कि हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है। नहीं, जो सिचुएशन है, फैक्ट्स है, उसको नेगेटिव नहीं बोला जाता। उसको अगर नेगेटिव बोलना भी है तो कोई बात नहीं, वो फैक्ट्स है और उसको फेस करना जो है वो बुरी बात नहीं है। दैट मीन्स फेसिंग अ नेगेटिव इज लाइक मेकिंग यू मोर स्ट्रांग। सो एक्सपेक्टिंग कि ओनली लाइफ विल हैव ओनली पॉजिटिव सिचुएशंस और नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएगा, ये जो है ये अजीब सजी, ये ऐसे सोचना है जैसे कि ओके सिर्फ दिन आएगा रात नहीं आएगा, सिर्फ आसमान रहेगा ज़मीन नहीं रहेगा। सिर्फ एवरी पोल पॉजिटिव और नेगेटिव हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन अस लाइफ। अगर ये पोल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है और ये पोल हमारे लाइफ में इफेक्ट करते हैं, तो हमें इसको एक्सेप्ट करने में और फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो बराबर हैं, और हमें दोनों, जैसे कि कोई नेगेटिव सिचुएशन में आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो तो आप उसको सिर्फ इग्नोर कर सकते हो, आप उसमें पॉजिटिव क्या सोचोगे? सपोज मेरे पास डेप्थ है तो है, उसमें मैं उसका टेंशन ले रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू इग्नोर द फैक्ट। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं उसको फेस करूँ, एंड हाउ वेन आई थिंक अबाउट कि ओके दिस इज़ अ सिचुएशन एंड आई हैव टू डू समथिंग बेटर अबाउट इट, देन आई हैव टू प्लान अ स्टेप्स। दैट मीन्स मैं इसको इग्नोर करने से सॉल्व नहीं करने वाला, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। इनफैक्ट सबसे ईजी और आसान होगा कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें कि ये सिचुएशन है, और ना उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटने की ना कोशिश करके हम उसको एक्सेप्ट करें कि ये सिचुएशंस में से हम बेस्ट पॉजिटिव वे में कैसे बाहर निकलेंगे। दैट मीन्स मैं रिस्पॉन्स जो है वो सेट करके रख रहा हूँ, चाहे मेरे सिचुएशन कोई भी आए, मेरे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, मैं रिस्पॉन्स जो है मेरा सेट करके रख रहा हूँ कि आई विल डील विद इट एंड आई विल कम स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ इट। And it makes a lot of easy way to live life, because आपका fight ख़त्म हो जाता है negativity की तरफ, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा ignore करते हो वो आपकी life में बहुत ज़्यादा grow होने लगता है। तो ignore करने से negative situation हटता नहीं है, वो grow होता है। That means आप subconsciously आप जानते हो कि वो ट्रूथ है, और फिर भी आपको उसको इग्नोर करना है तो बड़ी शिद्दत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप फेस करो कि नहीं, ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू, आप नेगेटिव सिचुएशन में हो और आप फिर भी पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप सिर्फ पॉजिटिव मत सोचिए, नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से नेगेटिव में से आप पॉजिटिव क्या निकाल सकते हो ये सोचिए। दैट विल मेक यू मच स्ट्रॉन्गर एंड दैट विल मेक यू मच ह्यूमन लाइक। Thank you very much. If you like this video, please like, share and subscribe so that it can grow faster. Thank you very much.